चुनाव आयोग द्वारा मतदान और मतगणना की तिथि को घोषित कर दिया गया है। ऐसे में कुछ चरणों का मतदान और मतगणना मुस्लिम धर्म के रोजा में पड़ रहा है, जिससे एक तरफ कुछ रोजेदार मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ रोजेदार अपनी आपत्ति को चुनाव आयोग के सामने रख रहे हैं। साथ ही अपील कर रहे हैं कि चुनाव की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, सरकार ने अपने प्रोग्राम को सही करने के लिए आचार संहिता लेट चुनाव का प्रोग्राम ऐलान हुआ है और उनको सोचना चाहिए कि रमज़ान में काफ़ी दिक्कतें होती हैं और रमज़ान में सबसे ज़्यादा दिक्कत कर्मचारियों को होती है। एक दिन पहले ये ले के चले जाते हैं ट्रक से बैठा के कर्मचारियों को ले जाते हैं दोपहर बाद, और बीच में उनको अवतार करना पड़ता है। अगले दिन फिर अवतार तरावी ये सब छूट जाएंगे कर्मचारियों के लिए, तो बस समझिए कि कयामत का मामला है। बाकी आम आदमी के लिए तो इसके लिए क्या आपने उन्हें शिकायत किया है? अच्छा, जी हाई अथॉरिटी तक हम लोगों ने अपनी बात कह दी है, ताकि किसी भी तरह हम झगड़े की बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात को पहुंचा दें अथॉरिटी तक ये बातें पहुँचा दी गई हैं कि हमारी परेशानियों को देखते हुए पुनर्विचार किया जाए। आम वोटर्स के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्मचारी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, उनके लिए तो बड़ी दिक्कतें हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा सरकार से कि अधिकतम मुस्लिम कर्मचारियों को रिजर्व में रखा जाए, या अगर संभव हो तो कम से कम ड्यूटी लगाई जाए।